संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत सहायता बस पहुंचा रही होंगी। दर्शन में आज हम सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी अर्जित करने का प्रयास करेंगे। सभी दर्शन में थोड़ा थोड़ा हमने जाना है, जो भी जाना है वो ऐसे जाना है कि उसको जानने के बाद फिर आपको कोई समस्या ना आए। शुरू की ही चीज़ें थोड़ी कठिन होती हैं। सांख्य दर्शन ले लीजिए, अर्थ संग्रह ले लीजिए, तर्क भाषा ले लीजिए, जो भी है वेदांत दर्शन वेदांत सार हमने पढ़ा है, तो शुरू ही चीज़ें समझाई हैं। आज हम सांख्य दर्शन को समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आज के बाद आपको सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन की जो पुस्तक है वो सांख्यकारिका है, उसी से हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद में फिर आपको समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी। 70 कारिकाओं में विभक्त है, आर्य छंद है, तो 70 में हम कोशिश करेंगे 14 से 15 वीडियो में आपको ये समाप्त करा दें और हो सकता है जल्दी भी हो जाए। शुरू में कुछ 6 से 7 कारिकाएं जो हैं कठिन हैं थोड़ी सी, और उसमें विस्तृत में जाएंगे क्योंकि बहुत ही विस्तृत है उसका जो व्याख्या है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाए, और ये इसमें से प्रश्न हमेशा ही रहता है, आपको एक प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण के द्वारा ये बनाई गई है। सांख्य दर्शन को बड़े ही संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया गया है, ये मानी शुरुआत है, उसमें हम सुगमता से प्रवेश कर जाएंगे, इस तरह से इसमें बताया गया है। सांख्य दर्शन को फिर से अगर अध्ययन करना है तो उसको विस्तृत में हमें जानना ही है। सांख्य दर्शन शब्द बना है, सांख्य शब्द जो बना है वो संख्या से बना है, सम उपसर्ग है इसमें, और ख्या धातु है, ख्या धातु में अंग और टा प्रत्यय लगने से संख्या शब्द बनता है, और संख्या में अण प्रत्यय लगने पर सांख्य शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब होता है गिनती से संबंधित, गणना से संबंधित, गणना की जाए। तो यहां पर गणना किसकी करेंगे हम, 25 तत्वों की गणना करेंगे, 25 तत्व माने गए हैं इसमें। योग दर्शन और सांख्य दर्शन लगभग एक जैसे ही हैं, वहां 26 हैं, ईश्वर तत्व को और उसमें सम्मिलित कर लिया गया है, सेश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। उसमें नहीं जा रहे हम, सीधे कारिकाएं लेंगे और कारिकाएं लेकर के फिर सीधे इसमें प्रवेश करेंगे। कुछ मित्र हैं, हो सकता है उनको कार्य मेरा यहाँ लिखना ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप जितना भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप आगे बढ़ा करके फिर समझाने की जो प्रक्रिया है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। यही मान के चलिए मैंने तीनों कारिकाएं लिखी, तो आप तीनों कारिकाएं लिखते हुए मुझे मत देखिए, उसको आगे बढ़ा दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ लिखने का पहले से नहीं प्रयास करूँगा कभी भी, इससे मैंने एक बार समझाने का प्रयास भी किया है कि क्यों ऐसा नहीं करते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। कार्य का देख लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत में जानेंगे, और आज के बाद में इन तीन कारिकाओं में से आपको एक प्रश्न की भी गलती नहीं होगी, ये आशा करेंगे हम। बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास भी करूंगा, अभ्यास कर रहा हूं, बड़ा बड़ा लिख दिया करूं। दुख त्रया अभिघाता जिज्ञासा दुख त्रय अभिज्ञा जिज्ञासा तद अप घातके हेतु। दृष्टे सपार्था चेत नैकांतात्यं त्यंततो
अभावात। ठीक है, आगे में कहा गया है दृष्टवत आनुश्रविक, दृष्टवत आनुश्रविक साहे विशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्। एक और है, फिर इसमें विस्तृत हो जाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृति सब। ठीक है, षोडशकस्तु विकारो प्रकृति न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सीधे चर्चा में चलेंगे। इसमें वो बहुत विस्तृत में है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। दुख त्रय अभिज्ञाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टि सापार्था चेत नेकांत अत्यंत अभावात् दृष्टवदानु दृष्टवदानुश्रविका सा ही विशुद्धि क्षयातिशयुक्ता तद विपरीत श्रीयान वित्ता वित्तज्ञ विज्ञानात् मूढ़ प्रकृति विकृति में दाद्या प्रकृति विकृति सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। लेख थोड़ा सा सही नहीं आता मेरा, बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो, छोटा सा लिखता हूँ तो फिर भी सही आता है, मेरा लेख ठीक नहीं है। दुख त्रय अविज्ञातात् जिज्ञासा, ये तीन चीजें समझने की हैं। दुख त्रय समझ लीजिए पहले, दुख त्रय से मतलब तीन दुख होते हैं। प्रथम दुख होता है आध्यात्मिक, दूसरा होता है आदि भौतिक, तीसरा होता है आदि दैविक। इन तीनों को समझ लो, उसके बाद में दुख त्रय आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आध्यात्मिक जो शब्द बना है, अब यहां पर थोड़ा जानेंगे। आत्मनि अधि, आपने जाना आध्यात्मिक शब्द आत्मनि अधि अभिभाव समास के अंतर्गत आता है, वैसे जाना हुआ आपने, अभिभाव समास पढ़े हैं। तो आत्मन जो शब्द है, आत्मन मतलब आत्मा के जो रूप चलते हैं, आत्मन एक शब्द है, उससे आध्यात्मिक शब्द बना। तो आत्मन शब्द को यहां दो भागों में विभक्त किया गया। अब यहां आत्मन का आत्मा शब्द नहीं रहा यहां रूप,
यहां जो अर्थ लिया गया है वो शरीर और मन, ये दो अर्थ लिए गए हैं, शरीर और मन। ठीक है, शरीर शब्द से शारीरिक शब्द बनता है, सारी व्याख्या नहीं करूंगा यहां, शारीरिक, और मन से मानसिक। एक बार आपने समझ लिया फिर ये भूलेंगे नहीं कभी जीवन में। और शारीरिक शब्द, शारीरिक को हम कहते हैं व्याधि, और मानसिक को कहते हैं आधि। मानसिक रोग आधि और शारीरिक रोग व्याधि। तो आध्यात्मिक रोग होता है, यानी कि दुख है, रोग नहीं है, दुख। रोग शब्द प्रयोग नहीं किया गया, आध्यात्मिक दुख है। आध्यात्मिक दुख कौन कौन से हैं? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में तीन चीज आ जाती हैं, वात, पित्त, कफ। ये आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जब तीनों में से किसी एक का विकार उत्पन्न हो जाता है, जब इसमें विकृति आती, यहां पर विकृति शब्द दूसरा है, वो अपना कार्य ना करके दूसरा कार्य करने लग जाए तो उसको यहां विकृति कहा गया है, तो शरीर में कष्ट शुरू हो जाते हैं। सर्दी जुखाम से लेकर के कैंसर तक की जो व्यवस्था दे रखी है शरीर में, रोग माने गए हैं वो, और वो रोग इन्हीं कारण से माने जाते हैं, वात पित्त और कफ के कारण से। ये आयुर्वेद के अनुसार है। आप साधारण भाषा में समझिए, शरीर में जो भी बीमारी होती है, जो भी कष्ट होते हैं, वो सब शारीरिक कष्ट के अंतर्गत आते हैं, दुख के अंतर्गत आते हैं। मन क्या है? मानसिक रोग, आधि मन में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, जितनी भी हैं वो सब मानसिक रोग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात उनके कारण दुख होता है। काम सताने लगे तो दुख शुरू हो जाता है, क्रोध आने लगे दुख शुरू हो जाता है, लोभ हो जाए तो दुख हो जाता है। सारी चीजें मन में जो दे रखी हैं दुख के कारण, वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, जितनी भी इसमें जोड़ने चले जाओ, मन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मानसिक रोग के कारण है, अर्थात आधी दुख है। तो आध्यात्मिक दुख पहला हो गया, वो दो भाव मार दिया, शारीरिक मानसिक। शारीरिक बात पित्त कफ या सर्दी जुखाम से लेकर के कैंसर तक जो भी शरीर में कष्ट होता है, दुख होता है, वो शारीरिक। मन में होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब मानसिक दुख के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा। आध्यात्मिक, आदि भौतिक जो भौतिक शब्द बना है वो भूत शब्द से बना है, अर्थात प्राणी। ठीक है, प्राणी कोई बिच्छू हो सकता है, सर्प हो सकता है, भेड़िया हो सकता है, चीता हो सकता है, मनुष्य स्वयं मनुष्य के द्वारा कष्ट पा सकता है। यहां पर एक चीज और शब्द प्रयोग किया गया है, भौतिक शब्द के लिए जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब इसी में है। इसमें तूफान आना, बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, जितनी भी पृथ्वी पर आपदाएं आती हैं, ज्वालामुखी का फटना, सब इसी आदि भौतिक के अंतर्गत गिनी जाती है। स्थावर जंगम जड़ चेतन तक ही मान के चढ़ी, जड़ चेतन शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि चेतन में कुछ और भी चीज आ सकती है, वो इसमें सब आ जाती है, प्राणी भी आ जाते हैं, सब प्राकृतिक आपदाएं सब आ जाती हैं, उनके कारण होने वाले दुख दूसरे प्रकार के होते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक पर, आदि दैविक पर चलते हैं। तो आदि दैविक जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो देव शब्द से है, इसमें यक्ष है, राक्षस हैं। एक शब्द इसमें विनायक का प्रयोग किया गया है, विनायक गणेश जी का ही एक नाम रूप में माने ना, विघ्नकर्ता के रूप में माना गया, अगर तो ये विघ्न पहुंचाते रहते हैं, तो ये आदि दैविक, इनके कारण होने वाले दुखों को आदि दैविक के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आ रही होगी, तीन चीजें हमने समझ ली। इन तीनों के दुख तरह से चोट खाता हुआ अभिज्ञातात जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा हुई किसी व्यक्ति को या किसी को भी, कहते ना कि सांख्यकार का पढ़े क्यों, इसलिए पढ़नी है, अभी आगे आएगा इसमें क्यों पढ़नी है सांख्यकार का,
भगवान बुद्ध ने भी सांख्यार का अध्ययन किया था, सांख्य दर्शन का। महावीर जैन ने भी सांख्य दर्शन को पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को सभी दर्शनों में जो मुख्य रखते हैं वो सांख्य को ही मुख्य रखते हैं, क्योंकि सांख्य बताता है कि दुख त्रय हैं, या तो दुख नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, दुख हैं तो उनको निवारण करिए। निवारण हम देख रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहे हैं। आज इसमें पूरी बात चर्चा करते चलेंगे। इसलिए हमको दुख, कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति जब दुख त्रयों से प्रताड़ित होता हुआ तद अपघात के हेतु उनको दूर करने के उपायों को, कारणों को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, जानने की जिज्ञासा करता है, ठीक है। ये प्रथम का अर्थ हो गया, इन तीनों दुखों से वो प्रताड़ित होता हुआ। दृष्टे सपार्था चेत नैकांत अत्यंत तो अभावात, अर्थात दृष्ट यहां जो शब्द प्रयोग किया गया है, वैसे दृष्ट से शब्द मतलब जो दिखाई दे, तो यहां दुख होते हैं, दुख होते हैं उनको हम दूर भी करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें कोई शारीरिक व्याधि लगी, बात प्रतिकट में या से बुखार आया, उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, बुखार को ही लेंगे या ज्वर को, बाकी सब आप समझते रहेंगे, तो इससे हम कहां जाएंगे, वैद्य के पास। तो दृष्टि का तात्पर्य क्या है, वैद्य लेना आपको, वैद्य आदि, ठीक है। तो वहां वो औषधियां वगैरह देंगे। अब इसमें दो चीजें बनती हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम तो ये बनती है कि बुखार का दवाई औषधि लेते लेते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, देखा होगा, ये रिपोर्ट भी कहती है, अगर आप अध्ययन करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है वो बुखार के कारण नहीं होती, बुखार की औषधि लेने के कारण होती है, एलोपैथिक औषधि, ठीक है। तो मृत्यु हो जाए एक तो ये है, दूसरा उसको बुखार सही हो जाए। अब बुखार सही हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए सही हो जाएगा, अगर हमेशा के लिए सही हो जाता तो हम सांख्यार का अध्ययन ही नहीं करते, दुख था दुख हमेशा के लिए सही हो गया। लेकिन क्या कह रहे हैं, ये दुख बुखार था, औषधि ली सही हुआ, फिर परिवर्तन हुआ ऋतु में, फिर दोबारा से बुखार आ गया, इसका मतलब बुखार हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुआ। इसमें से कोई भी रोग प्राणी के द्वारा, सांप के द्वारा भी हो सकता है, तूफान आया एक बार, ऐसा नहीं कि फिर दोबारा आएगा ही नहीं, उसका निवारण कर लो, बढ़िया से मकान बना लो, सुनामी आई लहर में मारा सारे मकान धराशायी हो गए, भूकंप आया मकान गिर पड़े, एक बार नहीं आया, हमेशा के लिए आते रहते हैं वो। तो यहां पर सारे दुख एक क्रम से चलते रहते हैं, उनको कहीं भी किसी भी कारण से वैद्य आदि के द्वारा निवारण नहीं होता, नहीं तो कैसे उनका एकांत और अत्यंत दोनों प्रकार से निवारण नहीं होता। अब थोड़ा सा इसको जानते चलें। एक होता है एकांत, दूसरा है अत्यंत। एकांत एकांतिक, इसी शब्द से बना है एकांतिक, और इससे आत्यंतिक, ठीक है। एकांत शब्द से क्या तात्पर्य है, कहना ना कि एकांत अत्यंत अभावात, जो कुछ हमें दिखाई देता है वैद्य आदि के जो भी निवारण करते हैं हम दुखों का, तीन प्रकार के दुखों का निवारण करने का प्रयास करते हैं, तो वो लेकिन क्या होता है, ना तो वो एकांत रूप से उनका निवारण हो पाता है, ना अत्यंत रूप से। एकांत का तात्पर्य होता है जो कुछ हमें रोग हुए उनकी निवृत्ति हो जाना, लेकिन कभी कभी हमें रोग हो रहा है, बुखार हुआ या कोई और कैंसर हुआ, तो उनकी निवृत्ति भी नहीं दिखाई देती, अर्थात उसमें मर जाते हैं लोग, तो एकांतिक भी नहीं होता, कभी कभी ठीक हो जाते हैं ये मान लेते हैं, तो कहते हैं लेकिन वो अत्यंत, अत्यंत का मतलब होता है, एकांत का मतलब समझ लो, अत्यंत का मतलब समझ लो, एकांतिक आत्यंतिक। एकांत का तात्पर्य होता है कोई दुख हुआ और दुख होने पर उसको निवृत्ति होगी, अर्थात वो हट गया दुख, ये तो होगा एकांत। अत्यंत का मतलब होता है जिसकी निवृत्ति हुई जिस दुख की, वो फिर दोबारा से ना आए, ये आत्यंतिक होता है। लेकिन उन दोनों का यहां अभाव पाया जाता, अभावात, एकांत भी नहीं है
और आत्यंतिक, एकांतिक भी नहीं होता और आत्यंतिक भी नहीं होता। किसी किसी का एकांतिक हो जाता है लेकिन आत्यंतिक किसी का नहीं होता। बुखार से कुछ मृत्यु को प्राप्त हो भी जाते हैं, कुछ सही भी हो जाते हैं। एकांतिक मतलब सही हो जाना, लेकिन बुखार हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, अर्थात आत्यंतिक उनको नहीं प्राप्ति होती। ये इसका तात्पर्य है। तो ये इसमें व्यवस्था दी गई है, दोनों का इसमें अभाव पाया जाता है। दृष्ट उपाय सभी यहां पर ठीक नहीं है, ये इसमें कहा गया। इसी की तरह दृष्ट वद अनुश्रविकः, अब एक बात यहां पर बड़ी अच्छी से समझ ली है, हमारे जो भी वैद्य वगैरह थे, जो भी बाहरी उपाय थे, वो तो बेकार ही गए, लेकिन यहां पर एक अगली कार्यक्रम एक उससे भी श्रेष्ठ बात कर दी है। दृष्टवद आनुश्रविक, अब यहां आनुश्रविक क्या है, आनुश्रविक से तात्पर्य होता है वैदिक उपाय। दृष्टवद आनुश्रविक अर्थात जैसे हमने दृष्ट में देखा वैद्य आदि जिस तरह से असफल थे दुखों को दूर करने में एकांतिक आत्यंतिक दोनों रूप से, उसी प्रकार से वेद भी अर्थात वैदिक उपाय भी दोनों ही वैदिक उपाय दोनों दुखों को दूर करने के में असफल हैं, ये इनका कहना है। क्यों असफल है, अर्थात वैदिक उपायों से भी उन दुखों को दूर नहीं किया जा सकता। अब वेदों की यहां निंदा होगी थोड़ी सी, समझने वाले इसमें यहां निंदा को भाव लेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध सांख्य दर्शन को तो पढ़ते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन हम जो वैदिक परंपरा है वो मानती है कि सांख्य दर्शन वेदों से ही निकले हैं, निकला है, क्योंकि उपनिषदों के ही कहीं ना कहीं इनमें से हिस्से हैं। लेकिन सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं कौन, भगवान बुद्ध और महावीर जैन और जितने भी विद्वान हैं जो नास्तिक हैं, सांख्य दर्शन पढ़ सकते हैं लेकिन वेदों की वो निंदा करते हैं। इसमें इसलिए कहा गया है कि वैदिक उपाय भी दृष्ट की समान ठीक नहीं है, अर्थात उनसे भी दुख की निवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वे तीन कारण हैं। प्रथम कारण है अविशुद्धि, दूसरा है क्षय, तीसरा है अतिशय। ठीक है, ये तीन कारण माने हैं इसलिए नहीं होती। क्यों, क्योंकि वह शुद्ध नहीं है, वैदिक उपाय शुद्ध नहीं है। यजेत स्वर्ग कामा, एक अर्थ संग्रह जब अध्ययन करेंगे तो उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे इन सारी चीजों को, अभी नहीं जान रहे। यानी कि स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे, जिस चीज की भी कामना करनी है वहां वेद में उपाय दिया है कि यज्ञ करें। यज्ञ में देखा जाता है कि कभी कोई भी यज्ञ किया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हिंसा अवश्य होती है। वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो अनाज, अनाज तो जानते ही होंगे आप, धान्य, धान्य जानिए, धान्य शब्द का प्रयोग किया गया, गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा, ये सब धान्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पशु, इन दोनों को किसी ना किसी प्रकार से हिंसा पहुंचाई गई है, या तो धान को कूटना है, जौ को कूटना है, गेहूं को कूटना है, या किसी और का चला करके फिर वो सामग्री बना करके फिर उसमें समर्पित की जाती है, तो हिंसा ही हो गई एक तरह से, ये माना है सांख्य ने। दूसरा है पशु, पशुओं को भी काटा जाता है, पशुओं को भी मारा जाता है, उसके बाद में वहां यज्ञ की पूर्ति होती है। अर्थ संग्रह में बहुत साफ से दे रखा है, ये आप जाकर के अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। मैंने भी कुछ हिस्सा बनाने का प्रयास किया है, आगे भी बनाऊंगा। तो ये दोनों के कारण हिंसा होती है, इसलिए वो शुद्ध नहीं है वैदिक उपाय। दूसरी चीज अक्षय और अतिशय, कभी कभी स्वर्ग की प्राप्ति हो भी जाती है उनके कर्म करने से, लेकिन वो क्षय हो जाते हैं। किसी ने 100 वर्ष का यज्ञ किया, किसी ने 1000 वर्ष का यज्ञ किया, किसी ने 10 वर्ष का यज्ञ किया, ऐसे अलग अलग यज्ञों के विधान है, उनको क्षय और व्यवस्था दी गई है। तो यदि 100 वर्ष का जिसने यज्ञ किया और उसको स्वर्ग में व्यवस्था मिली तो अपने कर्म जो सिंचित किए थे वो स्वर्ग में जाकर के भोगता है, धीमे 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 उनका क्षरण हो जाता है, नाश क्षय होने पर या नष्ट होने पर जो सिंचित कर्म थे फिर उसको जमीन पर या धरती पर जन्म लेना पड़ता है, तो वो भी आत्यंतिक दुख या एकांतिक दुख का निवारण नहीं हो पाया, दोबारा से फिर दुख शुरू हो जाते हैं।
तीसरी चीज दी है अतिशय। अतिशय से क्या तात्पर्य है? जो भी वैदिक उपाय हैं या वेद से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं उनको अतिशय की व्यवस्था रहती है, अर्थात मानसिक विकृति उसमें भी रहती है। साधु सन्यासियों को उसमें लिया जा सकता है, हमारे देश में बहुत सारे साधु सन्यासी हैं। यदि एक मंच बनाया जाए तो उस पर मंच में अलग अलग आसनों की व्यवस्था करी जाएगी, किसी को ऊपर मंच दिया जाएगा, किसी को नीचे मंच आसन दिया जाएगा। अब उसमें भी उनको श्रेष्ठ भावना ग्रंथि हीन भावना ग्रंथि पकड़ ही लेगी, तो मानसिक विकृति आ गई, मानसिक विकार आ गया। इस तरह से यहां पर यह चीज नहीं है, अतिशय से युक्त है, इसलिए यहां पर वैदिक उपाय को भी नहीं माना गया। अब चलते हैं आगे। तद विपरीत श्रेयान, इन दोनों से वैदिक उपायों से दृष्ट उपायों से विपरीत श्रेयस्कर है क्या? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तीन चीजें जानने से, विज्ञानात जानने से दुख त्रियों का नाश हो जाता है। तीन प्रकार के जो दुख बताए थे, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तीनों का नाश हो जाता है। अर्थात वो कभी भी किस प्रकार से नाश होता है? एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार से। यानी कि दुख है तो वो हट जाएगा और हटा हुआ दुख फिर कभी वापस नहीं आएगा। देखें इसको, व्यक्त पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है अव्यक्त, तीसरा दे रखा है ज्ञ। यहां व्यक्त जो है मूल प्रकृति है, अभी सांख्य कारिका में अगली बार जो कारिका है इसी के लिए दे रखी है। अब इसमें जो व्यक्त है वो क्या है? मूल प्रकृति है, वो अभी किसी से जन्म नहीं लेती, ये इसका तात्पर्य है। व्यक्त क्या है? जो कुछ हमारी आंखों से या यानी कि कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से जिसका हम भोग करते हैं, जिसको देखते हैं, जिसको महसूस करते हैं, सारी वस्तुएं अव्यक्त के अंतर्गत आती हैं और वो मूल प्रकृति से ही जन्म लेती हैं। तो वो और ज्ञ मतलब पुरुष, इन तीनों के जानने मात्र से, अब यहां कुछ करना ही नहीं है, इनको जानना है समझना है, समझने मात्र से ही सारे दुखों का निवारण हो जाता है जो तीन प्रकार के दुख बताए, ये इसका पूरा अर्थ है। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, इस तरह से हम ये जानते। अब हम चलते थोड़ा सा मूल प्रकृति और विकृति की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा समय और रहेगा इसमें। मूल प्रकृति एक हो गई, मूल प्रकृति इसको लिख दूं फिर आपने समझाया। अविकृति अर्थात ये किसी की भी विकृति नहीं है, विकृति नहीं है। अविकृति और विकृति क्या होती है? विकृति मतलब कार्य, अविकृति का मतलब जो कार्य नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो प्रकृति विकृति कार्य और कारण, तो यहां कारण क्या है? मैंने तर्क भाषा में बहुत अच्छे से समझाया है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा स्क्रीन पर, जब भी आप समाप्त होगा वीडियो आपको दिखाई दे जाएगा, उसको जाकर अध्ययन करें, बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है। तो मूल प्रकृति होगी हमारी एक महद आद्यास प्रकृति विकृति सप्त, अर्थात दूसरे स्थान पर महत आता है, तीसरे स्थान पर अहंकार आता है। महत आद्या शब्द जो लगा हुआ है इसका याद रखना, आद्या से अहंकार आदि अहंकार, और चौथे स्थान पर क्योंकि सप्त देखने हमको तन्मात्राएं, और तन्मात्राएं कितनी है? पांच है, एक 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 मूल प्रकृति हो गई, महत एक हो गया और अहंकार हो गया, पांच तन्मात्राएं हो गई। तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये तन्मात्राओं के अंतर्गत आती हैं, और तन्मात्राओं को हमने तर्क भाषा में तर्क संग्रह में बहुत अच्छे से जाना है, आप जाकर के अध्ययन करें, बहुत सारा अध्ययन कर लिया है हमने, ऐसी बात नहीं है। तो ये पांच जो है ये तो हो गई मूल प्रकृति, ये विकृति और प्रकृति दोनों होते हैं, प्रकृति भी है ये और विकृति भी है। प्रकृति किसकी है? किसी से ये उत्पन्न हुई है तो ये विकृति होगी, किसी को उत्पन्न करेंगी तो ये प्रकृति होगी। प्रकृति का मतलब जो कारण है, प्रकृति की परिभाषा जान लो, प्रकृति सीधा सीधा तात्पर्य है जो कारण है किसी को उत्पन्न करने का, ठीक है। और विकृति जो कार्य है, विकृति का मतलब, विकृति मतलब विकार, कार्य है जो किसी का। तो मूल प्रकृति प्रकृति है, वो किसी की विकृति नहीं है।
यहां से महत्त्व उत्पन्न होता है तो ये प्रकृति विकृति हो गई, महत्त्व महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है तो प्रकृति विकृति हो गई, अहंकार से तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से भी भूत उत्पन्न होते हैं। तो ये सप्त हो गए प्रकृति और विकृति। षोडशस्तु विकारः अर्थात जो 16 हैं वो केवल विकार हैं। अब 16 कौन कौन से मैं अभी थोड़ी मैं समझाऊंगा। ना प्रकृति ना विकृति पुरुषः, 16 विकार हो गए। और जो पुरुष बचा वो पुरुष ना तो प्रकृति है ना विकृति है। क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी से जन्म लेता है ना किसी को जन्म देता है, ना किसी से उत्पन्न होता है ना किसी को उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी मैं इसमें चार्ट के जरिए आपको थोड़ा समझा देता हूं। मूल प्रकृति होती है, मूल प्रकृति, इससे जन्म लेता है महत्तत्व या बुद्धि, इसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझते रहेंगे। ये अहंकार को जन्म देता है, अहंकार इससे उत्पन्न होता है, अहंकार से ये 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और यधर 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां। कौन कौन सी 11 इंद्रियां? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इसलिए 11 इंद्रियां होंगी। 5 तन्मात्राओं से महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, रूप रस गंध स्पर्श इस तरह से इसमें बोला गया। तो ये प्रकृति हो गई, अब थोड़ा ध्यान देना, ये प्रकृति हो गई, इसकी ये विकृति हो गई, विकृति, ये विकृति है। ठीक है, इसकी अब थोड़ा ध्यान देना, ये प्रकृति है, ऊपर से कोई मतलब नहीं इसका, हम प्रकृति है किसकी? इसकी, अहंकार की। और अहंकार भी प्रकृति, अहंकार भी प्रकृति के अंतर्गत आता है। किन दोनों की? तन्मात्रा की और 11 इंद्रियों की। लेकिन तन्मात्रा क्या है? ये प्रकृति भी है किसकी? पंच महाभूत की। तन्मात्रा किसकी प्रकृति है? पंच महाभूत की। लेकिन पंच महाभूत विकार हैं अर्थात विकृति हैं। 11 क्या है? विकार हैं, ये विकृति हैं। अर्थात 11 और 5 16 कितने हो गए? विकार। इस तरह से ये विकार हो गए। पुरुष बचे, जो पुरुष बचा वो ना प्रकृति है ना विकृति है। थोड़ा स्पीड में समझाया है, इसका कारण है कि इसकी जो बीज जो बैटरी है वो समाप्त होने वाली है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार आपको देखना होगा, कोशिश करिए। मैंने थोड़ी सी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।